कल जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं उससे एक बात साफ हो गई है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो विपक्ष की लहर चली वो आगे बढ़ती जा रही है, वो थमने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी को ये मानना पड़ेगा कि अब उनके दिन गिनती के रह गए हैं, वक्त है अब भी अपने स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को बदलें और एक संपूर्ण विपक्ष को, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर के इस देश की प्रगति को आगे बढ़ाने का काम करें, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश की बुनियाद, एक मॉडर्न भारत की बुनियाद डाली थी, उस तरफ अग्रसर करने का की कोशिश करें, वरना जनता इंतजार कर रही है। जनता ने लोकसभा चुनाव में बता दिया, उपचुनाव में भी बता दिया है, और आने वाले विधानसभा के जो 3-4 राज्यों में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड वगैरह, वहां भी बीजेपी का सफाया तय है। एक पर 1,000 वोटों का अंतर है, लगभग दूसरी पर भी इतना ही अंतर है। उन्होंने ये भी कहा कि अब सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, भाजपा उस पर कभी बात नहीं करती। देखिए, आप सब जानते हैं कि कल हिमाचल प्रदेश में जो एक सीट जीती वो 1,000 कुछ वोट से जीती आखिरी राउंड में जाकर। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के विधायक थे, जिन जिन जिनकी जीत पिछले विधानसभा चुनाव में 25,000 से ज्यादा थी, वो मात्र 1,000 वोट से जीत पाए बीजेपी में जाने के बाद। तो जनता का संदेश साफ है कि ये जो ऑपरेशन लोटस आप जो चलाते हैं, ऑपरेशन कमल जो चलाते हैं, वो अब चलने वाला नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भी जनता ने ये दिखा दिया और मध्य प्रदेश में भी जो है एक तरीके से ये साबित हो गया कि जो विधायक 25 से 50 हज़ार वोट से जीते थे कांग्रेस के सिंबल पे, वो साहब जब बीजेपी में चले गए और उपचुनाव लड़े तो मात्र 1,000 वोट से जीत पाए। के बाद आरोप लगाया गया बीजेपी की ओर से कि कई बूथों पर बीजेपी को 3 से 4 वोट ही मिले हैं। पश्चिम बंगाल के एलओपी सुवेंद्र अधिकारी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ राज्य के में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर कोलकाता में राजभवन के बाहर धरने पर भी बैठे हुए हैं। देखिए, अब वहाँ वो कुछ भी करते रहे, पहले तो आपने 7 फेज में चुनाव कराया, पूरे भारत की, उत्तर भारत की इंक्लूडिंग पश्चिम बंगाल की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को सड़ी गर्मी में, लू में मारने का काम किया। जो चुनाव की ड्यूटी में लगे हुए थे एम्प्लॉयज, उनकी भी जाने गई। तो ये आपके सारे तिगड़म जनता नाकाम कर रही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।